सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली के थाना जैतपुर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दिल्ली पुलिस का फर्जी आई कार्ड दिखाकर एक 19 साल के लड़के का अपहरण कर लाखों रुपयों की फिरौती मांगने वाले तीन बदमाशों को धर दबोचा है। तीनों बदमाश शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान 27 वर्षीय साजिद, 27 वर्षीय वकील व 49 वर्षीय नयबर अली के रूप में हुई है। तीनों लोनी और दयालपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से फिरौती के 1,94,000 रुपए, दिल्ली पुलिस का फर्जी आई कार्ड और वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें बरामद की है। दक्षिण पूर्व जिला DCP ईशा पांडे ने बताया कि दिनांक 18 फरवरी 2022 को थाना जैतपुर में एक लड़के के अपहरण व फिरौती की मांग को लेकर फोन आया था। थाना जैतपुर पुलिस स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा। मौके पर कॉल करने वाली पीड़िता अफसा बेगम ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसके भतीजे का अपहरण कर लिया है, फिरौती के रूप में 2 लाख रुपए की मांग की है, साथ ही धमकी दी है कि अगर पुलिस को बताया तो अंजाम बुरा होगा। तुरंत ही थाना जैतपुर में FIR संख्या 141/2022 अंडर सेक्शन 364/506/34 के तहत मामला दर्ज कर अपहृत लड़के की तलाश शुरू की गई। दिन दहाड़े हुई अपहरण की वारदात से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। दक्षिण पूर्व जिला DCP ईशा पांड्या ने किडनैपर्स को दबोचने और किडनैपर्स के चंगुल से पीड़ित को सकुशल छुड़ाने के लिए बदरपुर के तेजतर्रार ACP अजय कुमार की सुपरविजन व उगेश कुमार SHO जैतपुर के नेतृत्व में SI विजय, SI संजीव, SI सत्यप्रीत, SI जयप्रकाश, हेड कांस्टेबल जगजीत कुलश्रेष्ठ व कांस्टेबल दिनेश की एक क्रेक टीम का गठन किया। ACP अजय कुमार ने सबसे पहले किडनैपर्स ने पीड़िता के पास जिस मोबाइल नंबर से फिरौती के लिए कॉल की थी उस नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। किडनैपर्स के मोबाइल की लोकेशन जैतपुर इलाके से आ रही थी। फिरौती की कॉल के बाद किडनैपर्स ने मोबाइल ऑफ कर लिया था। इस वजह से किडनैपर्स की पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही थी। फिर भी किडनैपर्स को दबोचने के लिए उगेश कुमार SHO जैतपुर ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किडनैपर्स ने फिर से अपना फोन ऑन किया और पीड़िता अफसा बेगम को कॉल करके 2 लाख रुपए की फिरौती के साथ लोहिया पुल के पास आने को कहा। बदरपुर के तेजतर्रार ACP अजय कुमार किडनैपर्स को दबोचने का यह मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे, लेकिन किडनैपर्स को लोहिया पुल से दबोचना इतना आसान नहीं था क्योंकि लोहिया पुल के पास कालिंदी नहर और काफी बड़ा जंगल का एरिया था, साथ ही आली विलेज सौरभ विहार जैसा घनी आबादी वाला इलाका भी था। लोहिया पुल से किडनैपर्स के भागने के काफी रास्ते थे। बदरपुर के तेजतर्रार ACP अजय कुमार के नेतृत्व में SHO जैतपुर उगेश कुमार ने एक रणनीति बनाई। SHO जैतपुर उगेश कुमार ने सबसे पहले एक टीम को किडनैपर्स पर टेक्निकल सर्विलांस से नजर रखने को कहा। दूसरी टीम को लोहिया पुल पर सादी वर्दी में तैनात करने के बाद पीड़ित की मौसी को फिरौती की रकम के साथ ऑटो से लोहिया पुल के पास भेज दिया। कुछ देर बाद एक किडनैपर्स पीड़ित की मौसी के पास आया। योजना के अनुसार पीड़ित की मौसी ने मौके पर आए एक युवक को नोटों से भरा बैग सौंप दिया। जैसे ही किडनैपर्स ने नोटों से भरा बैग पकड़ा, जैतपुर थाना पुलिस ने किडनैपर्स को चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। मौके से अपहृत लड़के को सकुशल छुड़ाकर उसके परिवार को सौंप दिया गया, लेकिन दो अन्य किडनैपर्स मोटरसाइकिल लेकर दूर खड़े थे और पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार किडनैपर्स की पहचान शक्ति विहार दयालपुर दिल्ली निवासी 27 वर्षीय वकील उर्फ पुत्र इस्लाम के रूप में हुई। गिरफ्तार किडनैपर्स की निशानदेही पर उसके दो साथियों 27 वर्षीय साजिद उर्फ फौजी पुत्र सलीम व 49 वर्षीय नयबर अली पुत्र रहीश खान को लोनी उत्तर प्रदेश से दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से फिरौती के 1,94,000 रुपए, दिल्ली पुलिस का फर्जी आई कार्ड और वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शॉर्टकट रास्ते से कम समय में अच्छा पैसा कमाने के लिए किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने आगे बताया कि वो अपने टारगेट की तलाश में जैतपुर इलाके में आए थे। पीड़ित इन्हें पैसे वाला दिखाई दिया, इसलिए पीड़ित को उसके घर से टारगेट करते हुए सौरभ विहार की मस्जिद तक गए। नमाज के बाद जब पीड़ित बाहर आया तो तीनों आरोपियों ने उसे रोका और पुलिस का आई कार्ड दिखाकर कहा कि उसके खिलाफ शिकायत मिली है, उससे पूछताछ के लिए जनकपुरी थाना लेकर जाना है। बाइक पर ही उसे बीच में बैठा लिया गया, लेकिन थाने ले जाने के बजाय उसे लोहिया पुल पर ले गए और फिर वहां से पीड़ित की मौसी को कॉल करके 2 लाख की फिरौती मांग डाली। आरोपी 27 वर्षीय साजिद उर्फ फौजी पुत्र सलीम लोनी का रहने वाला है। यह 8वीं तक पढ़ा है और नशे का आदि है। यह बढ़ई का काम करता था। यह पहले डकैती, आर्म्स एक्ट और चोरी के 3 मामलों में शामिल रहा है। दूसरा आरोपी 27 वर्षीय वकील उर्फ पुत्र इस्लाम शक्ति विहार दयालपुर दिल्ली का रहने वाला है। यह 7वीं कक्षा तक पढ़ा है।
यह कैब ड्राइवर का काम करता था। तीसरा आरोपी 49 वर्षीय नैयब्बर अली पुत्र रहीश खान भिलोनी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यह अनपढ़ है। यह दर्जी का काम करता था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।